देखते देखते आ गया है दिसंबर और एक महीने में हो जाएगा ये साल खत्म लेकिन अगर आपको सिलेक्शन का सपना करना है साकार तो इस 27 से 30 नवंबर आ गया है एंड ऑफ नवंबर सेल करो सुपर से ऊपर की तैयारी अप टू 90 परसेंट ऑफ एंड 50% परसेंट एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए हेलो एवरी वन वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स बुक सुपर कोचिंग दिस इज मी तो लिका योर यू जी सी नेट पेपर वन फैकल्टी एंड दीज आर दी टाइमिंग्स ऑफ माई फ्री लाइव सेशन ऑन यूट्यूब एंड टेक्स बुक ऐप लर्नर्स डोंट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल जो भी स्टूडेंट्स टेक्स बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड टू यू जी सी नेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम्स लर्नर्स दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है चाहे आप डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यू जी सी नेट की तैयारी कर रहे हो या जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड टू यू जी सी नेट एंड अदर रिलेटेड सेट एंड पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम्स सोलर्नस टेक्सट बुक सुपर कोचिंग इज कंटिन्यूंग विद द सुपर थर्टी फ्री क्रैश कोर्स सीरीज और ये है आपका डिसम्बर एग्जाम क्लियर करने का मौका हमारे ये सभी फैकल्टीज लेते हैं सेशंस पेपर टू के सो डू जॉइन देयर सेशंस एज पर देयर टाइमिंग एज पर योर पेपर टू सब्जेक्ट सो लर्नर्स आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिनाले ऑफ कम्युनिकेशन सो आज कम्युनिकेशन यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे प्रैक्टिस आपके साथ एंड दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ सुपर थर्टी फ्री क्रैश कोर्स सीरीज एंड एज आई सेट फिनाले रिविजन में यही रहेगा हमारा मंत्र

सो लर्नर्स फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन पहला स्टेटमेंट अ वेबिनार अलाउज अ स्पीकर फ्रॉम द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट विथ ऑडियंस दैट कैन बी लोकेटेड एनी वेयर तो वेबिनार के ऊपर क्वेश्चन है बहुत कॉमन टॉपिक है हर हर किसी ने वेबिनार अटेंड किया हुआ है सो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है एक वेबिनार होस्टिंग संगठन के एक स्पीकर को मल्टीमीडिया सामग्री को किसी भी स्थान में रहने वाले दर्शकों के साथ साझा करने की अनुमति देता है Yes or no? Second statement: A webinar allows speaker and participants to share multimedia content located anywhere. दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि एक वेबिनार किसी भी स्थान में रहने वाले स्पीकर और प्रतिभागियों को मल्टीमीडिया सामग्री साझा करने की अनुमति प्रदान करता है तो आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोनों गलत है कोई एक इसमें से करेक्ट है या इनकरेक्ट है सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं वेबिनार से रिलेटेड और आपने भी जितने बार वेबिनार अटेंड किया होगा उसमें पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं होता है कि वो मल्टी मीडिया शेयर कंटेंट कंटेंट को शेयर कर सकें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दूसरा गलत है क्योंकि वेबिनार सिर्फ स्पीकर को या जो होस्ट होता है उनको अलाउ करता है कि वो मल्टी मीडिया कंटेंट को शेयर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को अलाउड नहीं होता है तो ये क्वेश्चन जो था हमारा पार्शली इनकरेक्ट था पार्शली करेक्ट था ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है सो so आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही सो क्लासरूम कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व तो डज नॉट पे ध्यान देना है एक्सक्यूज <coughs> मी कक्षा संचार में शामिल नहीं है क्या चीज़ शामिल नहीं है अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें सो फॉर्मल लेक्चरिंग होती है इनफॉर्मल डिस्कशंस होते हैं लेस इम्पॉर्टेंस टू फीडबैक दिया जाता है एक्सप्लेनिंग की जाती है सो so, औपचारिक व्याख्यान अनौपचारिक विचार विमर्श प्रतिक्रिया के लिए कम महत्व या स्पष्टीकरण किसी भी कक्षा संचार में ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन चारों में से क्या क्या चीज़ें होती हैं सो so, जैसा कि आप जानते हैं कभी भी कक्षा संचार हो रहा होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा तो उसमें हमेशा लेक्चर जो होगा फॉर्मल तरीके से यानी कि औपचारिक व्याख्यान होता है कई बार इनफॉर्मल डिस्कशंस भी होते हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है यानी कि स्पष्टीकरण दिया जाता है क्या नहीं होता है दैट इज लेस इम्पॉर्टेंस गिवन टू फीडबैक सो किसी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन में प्रतिक्रिया के लिए महत्व दिया जाता है सो लेस इंपॉर्टेंस इज द रोंग ऑप्शन तो ये हमारा डज नॉट इन्वॉल्व में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द फोरमोस्ट बरियर टू ओरल कम्युनिकेशन आप लोग सभी लोग जानते हैं ओरल कम्युनिकेशन की हम किस जो बात करते हैं जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ज़्यादातर हम ओरल कम्युनिकेशन में बात करते हैं लिखित जो होता है रिटर्न कम्युनिकेशन वो बहुत कम किया जाता है फॉर्मल किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है जहाँ हम ओरल नहीं कर पाते हैं तो एक हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल में हो जाता है हमारा ओरल और रिटन तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर हैं तो पुअर लिसनिंग ह्यूमिलिटी इंटरेस्टनेस कंसेंट्रेशन स्वभाष्य संवाद में सबसे बड़ी बाधा सबसे बड़ी की बात कही जा रही है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिग्निफिकेंट बैरियर जो होता है वो क्या होता है हम सुनते नहीं हैं ठीक से विनम्रता से हम सुनते हैं या ध्यान देते हैं रुचि से अगर काम करेंगे एकाग्रता से काम करेंगे तो इनमें से कौन सा एक बाधक की तरह कार्य कर सकता है सो व्हाट विल बी द राइट आंसर लर्नर्स फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री पुअर लिस्निंग ह्यूमिलिटी इंटरेस्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन सो बिफोर वी मूव अहेट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्विकली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज मॉकटेस्ट स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेज बाई दी एक्सपर्ट्स सो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर है पुअर लिसनिंग अगर हम ठीक से सुनते नहीं हैं तो चांसेस आ वेरी हाई कि ओरल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा बाकी ये तीनों चीज़ें क्या हैं पॉजिटिव हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है पुअर लिस्टिंग इज अ बैरियर क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एट आल द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शंस यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन का फंक्शन है वो क्या है सही सीक्वेंस में अगर हम रॉबिन एट आल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो रॉबिन और अन्य के अनुसार संप्रेषण कृतियों का सही क्रम क्या है सो so ये ए बी सी और डी जिसमें कंट्रोल मोटिवेशन इमोशनल एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन की बात कही गई है सो so एक्चुअली हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किस पर्पज से करते हैं वॉट इज दी अल्टीमेट गोल उस चीज को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कोशिश करेंगे नियंत्रण अभिप्रेरणा भावात्मक अभिव्यक्ति या जानकारी तो आपको इसको सही क्रमानुसार ऑर्गेनाइज करना है में ये लिखा है that is the right order. Right? क्योंकि जब हम हम करना चाहते हैं 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 तो पहले सब पहले सबसे क्या करते control करते इमोशंस कंटेंट राइट बेसिकली यहाँ कंट्रोल का मतलब है हम एक आउटलाइन बना लेते हैं और उसके बाद आता है उसके पीछे का मोटिवेशन उससे रिलेटेड भाव इमोशनल एक्सप्रेशन आप कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो उसमें भावात्मक अभिव्यक्ति बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है और ये सब मिला के आप फाइनली इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं जो कि मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन का तो चूंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन फंक्शन की बात की जा रही है हम शुरुआत करेंगे कंट्रोल से मूव करेंगे मोटिवेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन पे और फाइनली इट विल बी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फाइव द प्राइमरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन begins when एन इंडिविजुअल डिसाइड्स टू यूज़ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज symbol, which इज susceptible टू standardized इंटरप्रिटेशन रिजल्टिंग इन कॉमन मीनिंग तो किसी भी अगर हम बात करें प्राथमिक कार्य संचार का तब शुरू होता है जब कोई भी व्यक्ति कोई एक विशेष भाषा के प्रतीक का उपयोग करता है और उपयोग करने का निर्णय लेता है जो क्या होता है सबके लिए सब उसे समझ सकते हैं ठीक है ताकि सभी उसका समान अर्थ निकाले तो अगर मैं ये मार्क करती हूँ वट स्माइली इसका सभी के लिए समान अर्थ है इसको कोई भी गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकता है राइट बट अगर कोई और सिंबल हम इस्तेमाल करें जो कि हो सकता है सबको नहीं समझ आए तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत होगा गलत हो जाएगा अलग अलग तरह से लोग करेंगे

options वन टू थ्री और फोर सो everybody ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव एंड यस as यू ऑल कैन सी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे हम कोई भी जो शब्द यूज करते हैं प्रे हमार या सिम्बल्स यूज करते हैं हमारा प्रयास रहता है कि हर कोई उसके लिए सिमिलर मीनिंग ही निकाले राइट right? यस yes. और कोई भी अर्थ जो होता है वो उस पर्टिकुलर कंटेक्सट से रिलेटेड होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में है सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ किस चीज का उपयोग किया जाता है जब हम गैर मौखिक संचार की बात करते हैं अर्थ उत्पन्न करने के लिए व्यवहार भावात्मक अर्थ नियमों की गैर स्पष्ट प्रणाली मौखिक चालाकी अमूर्तता अस्पष्टता सो so, बिहेवियर जो कि कुछ ना कुछ मीनिंग जनरेट करता आप खुश हैं आपके हाव भाव क्या वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं इमोशनल मीनिंग मीनिंग तो क्या भावात्मक अर्थ निकल के आता है अ नॉन नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट कर रहा है वर्बल फिनिस यानी कि आप जो बात कर रहे हैं बहुत ही फिनिस से कर रहे हैं चालाकी से कर रहे हैं शब्दों का प्रयोग करके कर रहे हैं क्या ये नॉन वर्ब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है क्लैरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या आपके भाव उनको क्लियर कर देते हैं सो so, इनमें से गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज टू जिसमें आता है बिहेवियर हमारे हाव भाव बहुत सारी बातों को की तरफ इशारा करते हैं बताते हैं कि हम खुश हैं नाराज़ हैं किस तरह का फील कर रहे हैं सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिहेवियर यानी व्यवहार बहुत रोल प्ले करता है टू जनरेट मीनिंग नेक्स्ट इज अगेन इमोशनल मीनिंग्स जो हम निकालते हैं इमोशंस एक्सप्रेशंस

नेक्स्ट इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्विटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स तो क्या संचार में भाषा अस्पष्टता शब्दों के गलत उपयोग के कारण होती है स्टेटमेंट टू इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सो अनौपचारिक समय की शर्त अलग अलग व्याख्याओं की ओर ले जाती है सो so, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने इन फॉर्मल टाइम्स में मतलब गलत समय पर गलत बात कह दी तो उसका इंटरप्रिटेशन भी गलत हो जाता है सो so, आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत है पार्शली करेक्ट या इनकरेक्ट है सो क्वेश्चन नंबर सेवन द करेक्ट आंसर फॉर इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट सो so, जो भी हम लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की बात करते हैं अगर उसमें लैंग्वेज में एम्बिग्विटी यानी कि कन्फ्यूजन आता है वो ज़्यादातर हम गलत शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तब आता है और जो बात जिस समय पर कहनी थी अगर उस समय पे हमने नहीं कही तो कई बार उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है तो इनफॉर्मल टाइम टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो रिजल्ट करते हैं अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड तो किसी भी तरीके से attitude का component कौन सा नहीं है? So we are talking about affective, cognitive, openness, behavioral. अब इस question को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, तीन ऐसी चीजें जो आप एक जगह ग्रुप कर सकते हैं राइट और चौथी चीज जो है वो थोड़ी ऑड वन आउट है सो so जब हम एटीट्यूड फॉर्मेशन करते हैं तो एटीट्यूड आपका किन चीजों पर इफेक्ट करता है आ uh, क्या इफेक्ट डालता है आपके एटीट्यूड पे आपके लाइक्स डिसलाइक्स आपकी इंटेलिजेंस आपका बिहेवियरल ट्रेट्स राइट right? तो ओपननेस जो है ये आपके एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है आपका अफेक्टिव जो आपका डोमेन होता है जिसमें हम अपने इंटरेस्ट्स की बात करते हैं वो आपके एटीट्यूड को शेड कर शेप अप करता है जैसे अगर आपका अगर आपका इंटरेस्ट है फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल राइट तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव माइंड सेट की तरफ जाएगा अगर आप इंटेलिजेंटली साउंड हैं अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड शेप अप होगा ओपननेस इज अ ट्रेट राइट सो बिहेवियरल आल्सो बिहेवियर आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है हेल्पिंग है डिस्टर्बिंग uh, है uh, आप किसी के साथ मिल के रहते हैं आप बिल्कुल किसी से नहीं मिलना चाहते ये सब आपके बिहेवियर से असोसिएटेड है और वो आपके एटीट्यूड में का फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करते हैं सो ओपननेस इज ऑड वन आउट विच ऑफ द फॉलोइंग समी एडवाटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन सो कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी आपके साथ हमें कम्युनिकेट करना है और अगर हमने विजुअल कम्युनिकेशन जैसे कि किसी तरह के चार्ट्स का इस्तेमाल किया या किसी तरह के डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है वट आर दी एडवांटेजेस ऑफ़ विजुअल कम्युनिकेशन? तो क्या ये शॉर्ट सिंपल ईजिली अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस होते हैं क्या ये क्विक कम्युनिकेशन इसके थ्रू हो जाता है आपने एक पिक्चर देखी जिसमें क्लाइमेट चेंज को डिपिक्ट किया गया है तो क्या वो पिक्चर देख के आपको सारी बातें समझ में आ जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से टारगेट्स कंपेटिवली लार्जर ग्रुप ये हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं और एक ही समय में जैसे अगर हम वर्बली बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को ही एड्रेस कर सकते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू हम काफ़ी सारे लोगों को एड्रेस कर सकते हैं तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन या ऑल ऑफ द अब सो एज यू ऑल कैन सी दीज आर ऑल दिजुअल कम्युनिकेशन सो इसमें आपका ऑल ऑफ द अब विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन डैश इज एन असाइंड कम्युनिकेशन फॉर अ पर्पस फॉर अ स्पेसिफिक रिसीवर और रीडर सो एक उद्देश्य के लिए और एक विशिष्ट रिसीवर या पाठक के लिए एक नियत संचार है क्या किस चीज की बात की जा रही है मैंने आप लोग को लास्ट वीक भी प्रैक्टिस करवाया था काफी मिस्टेक्स हुई थी आई होप आज आप लोग को ये कंसेप्ट याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आपकी ब्लड रिपोर्ट पे राइट सो ब्लड रिपोर्ट को हम नोटिस बोर्ड पे नहीं पुट अप करते हैं सभी ग्रुप में नहीं सर्कुलेट करते हैं दैट इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक रिसीवर और अ स्पेसिफिक रीडर रिपोर्ट कार्ड जो आपका होता है वो आपके लिए मेंट होता है सो रिपोर्ट का नेचर ही होता है फॉर अ स्पेसिफिक रिसीवर और अ स्पेसिफिक रीडर राइट सोलर्नर्स द एंड ऑफ नवम्बर सेल इज देयर एंड ये लिमिटेड पीरियड ऑफर के लिए है जहाँ आपको यू जी सी नेट का कोर्स मिलता है एट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थ्री बाई यूजिंग माई फैकल्टी कोड तो लिका आर और इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी टिल योर जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जाम राइट सो इट्स ए लिमिटेड पीरियड ऑफर एंड टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज तो क्या चीज़ आएगी हमारे कम्युनिकेशन में तो हमारी जो भी सेंडर है मैसेज का उसकी क्रेडिबिलिटी में इन्हांसमेंट होगा सो इज़ इट क्लैरिटी इज इट करेक्टनेस कॉन्क्रीटनेस और कंसिड्रेशन आउट ऑफ दिज ऑप्शन विच इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रेडिबिलिटी ठीक है सो विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा रोल प्ले करेगा सो so, आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है इन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर एंड डू लेट मी नो व्हाट वॉज योर स्कोर आउट ऑफ टेन डोंट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे आंसर के साथ टेन आउट ऑफ कितने मार्क्स आएँ आपके ये जरूर बताइएगा आई एल सी यून दी नेक्स्ट क्लास डोंट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग ऑल योर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टेक केयर बाय बाय